प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कर्नाटक में कुमार स्वामी की सरकार गिरने पर कहा कि गठबंधन से कुछ महीने से ये सरकार चल रही थी। परमार ने कहा कि ये मात्र सरकार थी, लोगों को इस सरकार की ना कोई उपलब्धि दिख रही थी और ना ही ये सरकार दिख रही थी, जिसके चलते कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार गिरने पर कर्नाटक की जनता को बधाई दी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कर्नाटक में कुमार स्वामी की सरकार गिरने पर कहा कि गठबंधन से कुछ महीनों से यह सरकार चल रही थी। वहीं परमार ने कहा कि यह मात्र सरकार थी, जिसके चलते लोगों को इस सरकार की ना कोई उपलब्धि दिख रही थी और ना सरकार। परमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अधिकतर लोकसभा सीटों पर भाजपा के सांसद जीते हैं, जिन पर जनता ने विश्वास जताया है। और वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस और दूसरे दलों के कुछ विधायकों उस गठबंधन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी और इस सरकार को उन्होंने कर्नाटक के हितों में नहीं देखा। वहीं बाद में यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में गई। वहीं विपिन सिंह परमार ने कहा कि जो अभी तक कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार थी वो अब गिर गई है और जिसके चलते लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ा है, जिसको लेकर विपिन सिंह परमार ने कर्नाटक की जनता को बधाई दी है। उन्होंने वर्तमान उस गठबंधन व्यवस्था के खिलाफ एक अपनी आवाज़ बुलंद की थी और इस सरकार को कर्नाटक के हित में वो देखना नहीं चाहते थे, इसलिए ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई और वहाँ के स्पीकर ने इसको टाला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज जब वहाँ पर वोटों को जांचा गया, परखा गया या उस विधानसभा में जांच पड़ताल हुई तो वहाँ पर सरकार गिरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र की व्यवस्था में देश के लोगों का को विजय प्राप्त हुई है और जो एक अपवित्र गठबंधन था, जो गठबंधन सत्ता के माध्यम से सुख भोगने के लिए जेडीयू और कांग्रेस ने चलाया था, वहाँ पर लोगों को राहत मिली है।